I'm Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 7th chapter of 10th class, the necklace. ठीक है बच्चे, तो हमने इसको कवर कर लिया था. जो लॉइजल था उसने अपनी वाइफ मटिल्डा को पैसे दिए, 400 फ्रैंक दिए ताकि वो ड्रेस खरीद ले. इतना हमने कवर कर लिया, यहाँ से आगे पढ़ते हैं, समझते हैं. लेकिन बेटा जो वीडियो लास्ट तक देखना है, तो दूसरी बात, इसको देखने के बाद आप टेक्स्ट पढ़ना 5-10 मिनट के लिए, जितना भी आपने वीडियो में पढ़ा है टेक्स्ट में पढ़ना एक बार. ओके, जहाँ से आपको लगे कि इट डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब नहीं बताए, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. क्योंकि इस बार भी जो एग्ज़ाम में हमने जैसे मार्किंग की थी, तो उसमें बोर्ड में देखा था कि ये इसमें से एक शॉर्ट आया था 2 नंबर का, और बहुत ही था. तो शुरू करते हैं. तो जैसे ही वो पार्टी का दिन आ गया, वो बॉल, जानते हैं बॉल होता है, एक पार्टी कहते हैं जिसमें डांस वांस होता है, तो वो दिन आ गया लगभग. तो जो मटिल्डा थी, मिसेज लॉयजल थी, वो बहुत दुखी दिखने लगी. अब ड्रेस तो ले आई, लेकिन अभी भी दुखी थी, बहुत ज़्यादा एंजियस थी फिर भी, क्योंकि जब उनके पास ड्रेस थी फिर भी, लेकिन वो एंजियस थी. उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है, अब क्या हो गया तुम्हें, ऐसे बोला. तो उसने कहा कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही हो, 2-3 दिन से कुछ नहीं लग रही हो. जब वो जवाब देती है, मटिल्डा कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मैं किससे अपने आप को एडॉर्न करूँ, सजाऊँ अपने आप को. ये वर्ड होता है ना बेटा एडॉर्न, इसका मतलब होता है सजाना. तो वो कहती है कि मुझे पता है, समझ भी नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, पार्टी में कैसे जाऊँ. तो रिप्लाई करता है उसका हस्बैंड, कहता है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स लगा लो, और सीजन भी यही है और काफ़ी अच्छे हैं, और तुम काफ़ी अच्छी लगोगी, ऐसे कहता है. मटिल्डा तो एक टाइप की, वो महत्वाकांक्षी लेडी है, MBS है, तो वो काम मानने वाली फ्लावर से. तो वो अपनी अपने उसका जो हस्बैंड उसके चिल्लाती है, वो मटिल्डा कहती है कि कितने स्टूपिड हैं हम लोग, ऐसे बोलती है वो. सॉरी, जो मटिल्डा वो चिल्लाती है अपने हस्बैंड की ओर, वो कहती है कि देखो बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे और मेरी इंसल्ट करेंगे, मुझे ह्यूमिलेट करेंगे, और मैं ऐसे अगर ऐसी स्थिति में जाऊंगी उनसे जो स्मेल आएगी, और वो मुझे क्या करेंगे, फ्यूमिलेट करेंगे पार्टी में. तो उसका हस्बैंड क्या कहता है, वो उसके ऊपर चिल्लाता है, मतलब वो बोलता है उससे, और कहता है कि हम कितने मूर्ख हैं. वो कहता है उसे सलाह देता है मटिल्डा को कि ऐसा करो, तुम्हारे जो दोस्त है ना जो फर्स्ट ईयर है, उसके पास जाओ, उससे ले आओ उधार अपना कोई भी ज्वेलरी जो तुम चाहती हो, पैसे वाले हैं उसे ले आओ, ऐसे बोलता है वो उसे. अब जो मटिल्डा है वो भी बहुत जोर से चिल्लाती है, अटर करती है, मतलब सी अटर अ क्राई ऑफ जॉय. तो वो चिल्लाती जोर से कहती है, हाँ ये सही बात है, उसने ये कहा, और हमें तो इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि उसके पास ज्वेलरी वेलरी भी है. इनफैक्ट जो मटिल्डा की जो दोस्त थी फर्स्ट ईयर, पैसे वाली थी, लेकिन जो उसका नेकलेस है वो ओरिजिनल नहीं था बेटा, बाद में मालूम होगा वो नकली था वो, लेकिन बाद में ये रिवील होगा. अभी चलते हैं आगे की ओर. तो नेक्स्ट डे हुआ क्या, अगले दिन वो वहाँ पे गई अपने दोस्त के पास मटिल्डा, और अपनी सारी बात उसको बता दी, बोल दिया कि फर्स्ट ईयर ऐसे ऐसे बात है. तो फर्स्ट ईयर बेचारी अपने क्लोसेट के पास गई, जो उसकी अलमारी थी वहाँ पे गई, और उसने एक बड़ा सा ज्वेल का एक बॉक्सर निकाल दिया और खोल दिया. उससे कह दिया कि चुन लो डियर, ऐसे कह दिया, चूज एनी वन विच यू लाइक बेटर, ऐसे बोल दिया उसे, चुन लो जो तुम्हें अच्छा लगे. तो मटिल्डा ने क्या किया, एक ब्रेसलेट देखा, और फिर एक कॉलर देखा पल्स का, फिर उसने वेनेटियन क्रॉस देखा गोल्ड का, जैसे ना जैसे जो ईसाई पहनते हैं उसे, वो देखा. फिर उसने ज्वेल्स काफ़ी ज्वेलरी देखी, जो कि एक अच्छा वर्क था, किसी गोल्ड का मतलब अच्छा उसमें वो था वर्क. तो उसने ट्राई किया बहुत सारी चीज़ों को, अपने अपने आप को, जो ग्लास था उसके सामने खड़ी हो गई और देखने लगी अपने आप को, अपनी उसको शक्ल को, कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ. अब उसने डिसाइड किया, वो डिसाइड नहीं कर पा रही मैं क्या लूँ. फिर उसने कहा उससे, अपनी दोस्त से, कि कोई और नहीं है क्या, ऐसे पूछा, हैव एनी नथिंग मोर, कुछ और नहीं है. तो उसने कहा हाँ हाँ है, क्यों नहीं. उसने ऐसे बोला कि देखो मैं नहीं जानती कि तुमको क्या अच्छा लगता है, ऐसे बोलती है वो उसकी दोस्त. अब अचानक क्या हुआ, उसने एक नया सा एक ब्लैक बॉक्स देखा, उसमें एक डायमंड का नेकलेस था, और उसके जो हैंड्स थे वो ट्रेम्बल करने लगे उसे देख के, जैसे उसने उसे उठाया.
और उसने उस नेकलेस को अपने जो थ्रॉट है जो गला है उसके उसके चारों ओर लगाया ड्रेस के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा था उसे। और उसने कहा तो ऐसा हेटेड होते बोली, जैसे बोलते ना भाई मान लो कि आपकी कार है और मैं मांगने आ जाऊँ, जैसे मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ बच्चे, तो तुमसे मैं मांगूँ तो तुम्हारी कार को, तो मैं एक बार हेजिटेट होऊंगा भाई ये देगा नहीं देगा, तो ऐसे होता है ना। तो ऐसे जो मटिल्डा है वो हेजिटेट होती है और बहुत ज़्यादा वो दुखी होती बोलती है, कुड यू लैंड मी दिस ओनली, ऐसे बोलती है क्या मुझे आप ये उधार दे दोगे। हाँ वो कहती है हाँ ले जाओ सर्टेनली ले जाओ क्यों नहीं, ऐसे बोलती है भाई आपका दोस्त है तो दे देगा आपको नहीं देगा। अब क्या हुआ, उसने उसको अपने उसने जो मटिल्डा थी उसने अपनी जो फ्रेंड्स के फ्रेंड को हक कर लिया है ना, और उसे उसकी उसको थैंक यू बोलते हुए वहाँ से वो चली आई उसके नेकलेस को लेकर। अब जो बॉल का दिन आ गया, जो पार्टी थी उसका दिन आ गया, बॉल BA वही बॉल है जो खेलते हैं वो नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पार्टी है, वो पार्टी आ गई। स्पेशली जो बॉल होती है जो पार्टी में डांस वांस होता है वो पार्टी है, तो वो पार्टी का टाइम आ गया। तो जो लॉयल थी मिसेज लॉयल थी मतलब जो मटिल्डा थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अपनी उस पर और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत एलिगेंट लग रही थी, क्रेसिस लग रही, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी वो और खुश भी थी बहुत ज़्यादा। सभी जो लोग थे पार्टी में उन लोगों ने उसको नोटिस किया, उसका नाम पूछा कि कौन हो, और सबने चाहा कि उसे इंट्रोड्यूस हो कि ये लेडी कौन है। तो मटिल्डा ने डांस किया पार्टी में, बहुत ही ज़्यादा उस्ताह में जाके डांस किया, खुश थी बेचारी बहुत ज़्यादा खुश थी, और सोचा कुछ नहीं उसने, बस डांस करती रही अपने आप को सोच देखती रही मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और इस सब पे वो बहुत खुश थी इस सबसे। ओके तो आगे देखते हैं बच्चे। तो जो खुश थी मटिल्डा उसने अपने आप को इन्जॉय किया, अपने उसका जो हार्ट था काफ़ी खुश था। अब वो क्या हुआ, अब हुआ ये देखिए आगे क्या होता है। अब लगभग 4 बजे का टाइम हो गया सुबह का, ठीक है मॉर्निंग का। तो उसका जो हस्बैंड था बेचारा वो भी सो रहा था, आधा सा सोआ जाग रहा था ऐसे करके था वो, है ना, उसे नींद आई नहीं आई ऐसे सो रहा था वो। और कुछ जो और लोग थे उसके जो दोस्त थे वो भी, उनकी जो वाइफ थी वो भी वहाँ पे इंजॉय कर रही थी अपने आप को, जैसे होता है ना जैसे दोस्त वोस्त होते हैं तो वो सब इन लोग सब लोग अपने आप को इंजॉय कर रहे थे। तो जो आगे क्या होता है देखिए, तो जो बेचारा लॉयजल है उसने तो अपनी कॉमन सी ड्रेस पहन रखी थी, तो उसने वो जो उसके जो कपड़े थे उसने अपने कंधे पर डाले, क्योंकि वो तो ऐसी ड्रेस पहन के नहीं आया था एक्सपेंसिव जैसे उसकी वाइफ पहन के आई थी, क्योंकि वो नॉर्मल था, वो उसने कभी बोस्टिंग नहीं की अपने बारे में कि वो बोस्ट करने लगे कि सही की मानने लगे मैं वो जो था वो था। तो अब क्या हुआ, अब ये सब देख कर क्या हुआ, अब जो बाकी जो लोग हैं वहाँ पे और भी जो रईस थे, मटिल्डा ने क्या किया उन सबसे दूर को देखा, उनको दूर से देखा और उन्हें नोटिस किया गौर से कि ये वास्तव में रईस लोग हैं, और उसने डिसाइड किया कि तब तक पोल खुले इससे पहले निकल लिया जाए यहाँ से, क्योंकि जो बाकी जो लेडीज़ थी उन्होंने काफ़ी महंगे महंगे फर पहन रखे थे, ड्रेसिंग पहन रखी थी, काफ़ी महंगे क्लॉथ पहन रखे थे, तो उसे डर था कि भाई ये कहीं इंसल्ट ना कर दें। तो जो लॉयल था ठीक है, तो वहाँ से वो चलते हैं, वो चलने के लिए कहती है उससे, तो लॉयल कहता है कि रुकिए चलते हैं हम लोग, ऐसे उसे बोलता है कि रुको अभी तो चलते तो हैं, वेट करो थोड़ा सा, ऐसे बोलता है, और मैं कैब करने जा रहा हूँ ऐसे बोलता है। लेकिन जो मटिल्डा थी वो कुछ नहीं सुना उसने, है ना, और वो सीढ़ियों से नीचे उतर आई। जब वे स्ट्रीट में आए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली, और फिर एक जो घोड़ा गाड़ी आ रही थी उन्होंने उसको बुलाने की कोशिश की थी, घोड़ा गाड़ी मिल जाए तो वो छोड़ दें उसे उसके घर तक, लेकिन कुछ दूर तक वो पैदल चले, रिवर के किनारे चलते रहे, और अकेले थे, निराश थे और कांप भी रहे थे, शिवरिंग ठंड थी ना, वो शिवरिंग कर रहे थे। और अंत में क्या हुआ, उन्हें लास्ट में एक कैरेज मिल गई, और उससे क्या हुआ वो पेरिस लास्ट में वो जो पेरिस में जो कॉमनली वो दिखाई देते हैं, वो अब तो नहीं होता जैसे घोड़ा गाड़ी तांगा वगैरह होते पहले होते थे, तो वो मिल गया उन्हें। तो इससे क्या हुआ, जैसे हम लोग आजकल कैब करते हैं ओला से या उबर से, तो ऐसे करके उन्होंने तो नॉर्मल सी कैब ले ली बिना किसी उसके, तो वो जो कैब थी उन्हें उनके घर छोड़ के आ गई, और सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। जैसे वो अपने घर में गए तो उन्हें वो बहुत कुछ मतलब पार्टी वार्टी में जो कुछ हुआ उन्होंने
इन्जॉय किया, लेकिन जो हमारा जो बेचारा लॉयजर है उसे सब कुछ मालूम था कि मुझे कल ऑफिस जाना है। ये वो तो एक क्लर्क था, तो उसने सोचा कि मुझे तो जाना है, तो वो बेचारा सो गया, अपना कपड़े वपड़े निकालने लगा जिससे फ्रेश होते हैं। तो जो उसकी वो वाइफ है मटिल्डा, उसने भी अपने कपड़ों के ऊपर दोबारा से क्या सोचा था कि सोच रही कि मैं देखूँ सही कैसा लग रहा है मुझे हार पार्टी में, तो वो आई। अब फाइनल व्यू के लिए, फाइनल लुक के लिए वो एक बार चाहती थी कि मैं देखूँ उसे कि कल तो इसको वापस करना है फर्स्ट ईयर को। तो अचानक ही वो चिल्लाई क्योंकि जो नेकलेस था वो गायब था, उसके नेक में नहीं था वो। अब वो जो मटिल्डा है उसका हस्बैंड है वो, ठीक है, बेचारे दुखी हो गए। अब जो लॉयजर था बेचारा, वो उसने अभी अपने आधे कपड़े निकाले थे जैसे पहनते ना नाइट ड्रेस पहनते हैं, तो उसने उसने पूछा क्या हो गया, क्या बात हो गई, ऐसे पूछा उसने। जो मटिल्डा थी वो उसकी ओर चिल्ला, उसकी ओर आगे उसने बोला कि जो मेरा जो नेकलेस है वो गायब हो गया है, फर्स्ट ईयर का मेरा नेकलेस गायब हो गया ऐसे बोलती है। तो वो खड़ा हुआ, थोड़ा सा निराशा हो गया बेचारा, कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे पूछता है वो, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे बोलता है वो। लेकिन अब क्या होता है, उसने जो सारे जो फोल्ड्स हैं ड्रेस हैं सबको चेक किया, और सब चीज़ जो सारे जो कपड़े हैं उनका जो सबको चेक किया, अपनी पॉकेट को चेक किया, हर जगह चेक किया, लेकिन नहीं वो मिला। ठीक है बच्चे, तो जो बाकी का जो रह गया उसको हम अगले जो वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन देख लीजिए उसका जो हार खो गया। अब देखो आप ही देखिए कि देखो वो उससे उधार लेके आई उससे फर्स्ट ईयर से, अब वो खो गया है, अब वो ढूंढ रही है, अब नहीं मिलेगा तो क्या उसे वापस देगी, नया हार लेके देगी। तो बेटा जब भी हम इसलिए बताते हैं जो कुछ हमारे पास है उससे ही संतुष्ट रहो। क्या नहीं रहे कि किसी की बाइक लेके आए, किसी की कार लेके आए, किसी से एक्सपेंसिव वॉच लेके आए, जो भी हमारे पास है उससे ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो ठीक है, इतना ही है इस वीडियो के लिए, आगे जो जो स्टोरी बाकी रहेगी उसको हम लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।